हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें एफआईआई और भी इसमें बाय कर सकते हैं आने वाले दिनों में। जून क्वार्टर में हमें एफआईआई का होल्डिंग और भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, क्यों ये भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि एफआईआई का इन्फ्लो बढ़ा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पब्लिक का जो होल्डिंग है कम होगा, और जितना एफआईआई का होल्डिंग बढ़ते हुए दिखता है कोई भी स्क्रिप्ट में, वो स्क्रिप्ट में और भी तेज़ी देखने को मिलती है। तो क्या रीज़न है कि एफआईआई का जो होल्डिंग है बढ़ते हुए दिखेगा इस क्वार्टर में, उसके बारे में बात करेंगे। ये बात करने के पहले बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर, जो कि वन डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दें, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हमारी सुपर इन्वेस्टर चैनल की टीम जो है मैनेज करे, कौन सा शेयर लेना है कौन सा शेयर बेचना है, ये हम लोग डिसाइड करके राइट टाइम पे एंट्री राइट टाइम पे एग्जिट ये करते हैं, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में लगातार अपर सर्किट का दौर चल रहा है और एक एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ में और भी चीज़ें लग रहा है कि सब धीरे धीरे ठीक होते जाएगी, सॉर्ट आउट होते जाएगी। उसके साथ ही एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी जो कि कुछ दिनों पहले आई, मैंने आपको बताया था, दो दिन पहले ही बताया था कि ब्राइटकॉम ग्रुप को MSCI इंडेक्स में रिटेन किया गया है, मेंटेन किया गया है। MSCI इंडेक्स से मॉर्गन स्टैनली इंटरनेशनल कैपिटल के इंडेक्स से निकाला नहीं गया है। अब जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है MSCI क्या है, सबसे पहले बता दूँ, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ये जो कंपनी है ये USA की है, जो कि उन्होंने अपने अपने एक इंडेक्स बनाया है। जैसे हमारे भारत में निफ्टी सेंसेक्स होता है, फिर निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप, ऐसे काफ़ी इंडेक्स होते हैं, फार्मा इंडेक्स होता है, वैसे ही इस कंपनी का अपना खुद का इंडेक्स बनाती है, जिसमें अपने हिसाब से कंपनी चूज़ करके सिलेक्ट करके ये कंपनी इंडेक्स बनाती है। तो मॉर्गन स्टैनली ये बहुत रेप्यूटेड फर्म है वर्ल्ड वाइड, और उनकी जो इंडेक्स बनाते हैं वो काफ़ी स्टडी करके बनाते हैं, और उसमें अगर देखा जाए तो जो कंपनी रहती है उसमें ऑटोमेटिक FII का या FPI का होल्डिंग बढ़ते हुए दिखता है। क्योंकि जो FII होता है वो लोग हेडेक नहीं रखते हैं कि हर एक कंपनी को स्टडी करे, भाई MSCI ने इस लिस्ट में अपने को रखा है इस कंपनी को, तो ब्लाइंडली उसको बाय करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो MSCI जो है मॉर्गन स्टैनली, ये सब एंगल से पैरामीटर से चेक करके ही कोई भी कंपनी को अपने इंडेक्स में शामिल करती है या निकालती है। और इसीलिए काफ़ी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स MSCI इंडेक्स को फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अभी हमें हमारे मन में जो डर था कि इसको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए लिस्ट में से, तो उसको नहीं किया है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ हिस्ट्री कि MSCI इंडेक्स में ब्राइटकॉम ग्रुप आया था 2021 में नवंबर में, जब डिक्लेयर किया गया था कि ब्राइटकॉम ग्रुप को ऐड किया जा रहा है MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में। नवंबर 2021 में डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद में 31 दिसंबर 2021 से ये लिस्ट जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी थी, और ब्राइटकॉम ग्रुप को उसमें शामिल करने की न्यूज़ आई थी। पहले न्यूज़ आई थी कि इसमें आ सकता है, और बाद में आ भी गया। अब देखिए, दिसंबर 2021 तक क्वार्टर तक ब्राइटकॉम ग्रुप में होल्डिंग था FII का सिर्फ 1.87%। जैसे ही MSCI इंडेक्स में शामिल किया गया ब्राइटकॉम ग्रुप को मार्च 22 में होल्डिंग सीधा बढ़ गया 12.15%, 12.15% का होल्डिंग, मतलब करीब 10% से होल्डिंग FII का सीधा बढ़ गया ब्राइटकॉम ग्रुप में। क्योंकि उस टाइम पे ही MSCI इंडेक्स में शामिल करने के कारण काफ़ी बड़ा इन्फ्लो ब्राइटकॉम ग्रुप में FII का देखने को मिला। उसके बाद में जून 22 में होल्डिंग 12.15% से बढ़कर हो गया 13.55%। उसके बाद सितंबर 2022 में क्वार्टर में FII का होल्डिंग बढ़ गया 14%। उसके बाद
दिसंबर 22 में बढ़कर हो गया 14.58%, और अभी मार्च 23 में लेटेस्ट क्वार्टर में हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है 14.60%। तो अगर आप देखोगे तो MSCI में ब्राइटको MSCI इंडेक्स में ब्राइटकॉम ग्रुप को ऐड करने के बाद देखिए 1.87, फिर 12.15, फिर 13.55, फिर 14%, फिर 14.58, और उसके बाद में 15.79 या करीब करीब 15.60। लगातार होल्डिंग हर क्वार्टर में हमें FII की बढ़ते हुए देखने को मिली ब्राइटकॉम ग्रुप में। अगर आप देखोगे तो वैनगार्ड, ये जो FIIs के जो नाम है उस पर से भी आपको ध्यान में आ जाएगा, वैनगार्ड इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स, iShares MSCI, TTC, विजडम ट्री इमर्जिंग मार्केट और फर्स्ट ट्रस्ट इमर्जिंग मार्केट, ये जो FIIs के नाम है जिन्होंने ब्राइटकॉम ग्रुप में होल्डिंग बना के रखी है, इन्होंने मतलब MSCI इंडेक्स में आने के बाद उसमें से कौन कौन सी कंपनियां हैं ये लोग देखते हैं, समझो इनको स्मॉल कैप का अपना पैसा लगाना है तो उसमें से कंपनी देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी MSCI इंडेक्स में है, उसमें ये लोग जाकर खरीदारी कर लेते हैं। तो इसीलिए FII की होल्डिंग हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिली है। और क्या होता है, नए नए फंड बड़ा क्रिएट होते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है, जैसे एक्सिस बैंक है, पहले उनका खुद का म्यूचुअल फंड नहीं था, बाद में उनका बना, ऐसे नए नए टाटा कंपनी के बने, तो कोई भी नया म्यूचुअल फंड क्रिएट होता है तो फिर वो लोग नया बाइंग शुरू करते हैं कंपनियों में, तो वो लोग देखते हैं कि MSCI में कौन कौन सी कंपनियां हैं, भाई ये कंपनी है, चलो इसमें बाइंग करना है अपने को, क्योंकि हर एक कंपनी को स्टडी करना ज़रूरी नहीं उनके लिए, MSCI ने स्टडी किया हुआ है, बात ख़त्म हो गई। और इसी प्रकार से अब MSCI ने ब्राइटकॉम ग्रुप को रिटेन किया हुआ है, तो जो नए फंड हाउस बनेंगे इंटरनेशनली, जो कि नए से इंडेक्स बनेंगे या नए से पैसे इंडेक्स नहीं नए से जो म्यूचुअल फंड बनेंगे या अपना होल्डिंग बढ़ाना चाहेंगे, तो वो क्या देखेंगे कि इसमें इस लिस्ट में कौन कौन सी कंपनियां हैं उसमें से चूज करते हैं। और ब्राइटकॉम ग्रुप तो अभी तो एकदम ही सस्ते दाम में मिल रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि FII को ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी नए का जो है ऐड करने का अपॉर्चुनिटी अच्छा लगे, क्योंकि अभी काफ़ी सस्ते रेट में ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर मिल रहा है। दूसरी बात, क्वार्टर फोर का रिजल्ट हो सकता है आने के बाद वो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, और हो सकता है उसके बाद में स्ट्रांगली FII का इनफ्लो हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में देखने को मिले, क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप में अगर देखा जाए तो शो कॉज नोटिस का जो सेबी का है वो छोड़ा तो कोई भी फॉल्ट दिखता नहीं है। सब हिसाब से ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर बहुत ही सस्ते दाम में अभी मिल रहा है, जैसे कि 2 के PE पे मिल रहा है, 2 का PE है, 30 का book value है, EPS 6 के ऊपर है, तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही सस्ते दाम पर ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर मिल रहा है। तो इसमें हो सकता है ज़बरदस्त इनफ्लो हमें आने वाले दिनों में FII का भी देखने को मिल सकता है। आने वाले एक महीने में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जो कि शो कॉज नोटिस हो या और भी फैक्टर्स हो, क्वार्टर फोर का रिजल्ट हो, ये सभी बातें क्लियर होने के बाद ब्राइटकॉम ग्रुप में हेवी इन्फ्लो आ सकता है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। और MSCI इंडेक्स में रहना ये बहुत कम कंपनियों को नसीब होता है, बहुत कम कंपनियां चूज़ की जाती है, और ब्राइटकॉम ग्रुप को उसमें रखा गया है, ये काफ़ी प्रेस्टीज की पॉइंट होती है वर्ल्ड वाइड। अगर कोई कंपनी का कोई प्रेजेंटेशन रहा इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसमें अगर देखा जाए तो अलग अलग इंडेक्स में होना और मेनली MSCI इंडेक्स में होना ये काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है वो कंपनी के लिए, कि भाई MSCI इंडेक्स में आपका नाम है, बात ख़त्म हो गई और कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, इतना प्रेस्टीजियस होता है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल का इंडेक्स और उसमें ब्राइटकॉम ग्रुप शामिल है। सो लेट्स सो कि इसी के कारण आने वाले क्वार्टर में, जून क्वार्टर का जब हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेगा तो उसमें हो सकता है कि हमें FII का होल्डिंग बढ़ते हुए दिखे, और ये भी हो सकता है कि अभी जो मई का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा उसमें भी FII का होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। अभी तो अपर सर्किट में चल रहा है, जब नॉर्मल ट्रेडिंग करेगा हो सकता है FII भी इसको बाय करे और अपना होल्डिंग बढ़ाए, पुराने FII भी और नए FII भी के नाम भी हमें आने वाले दिनों में ब्राइटकॉम ग्रुप के होल्डिंग में देखने को मिल सकते हैं। सो काफ़ी अच्छी बात है ये, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि MSCI इंडेक्स में रहना कोई भी कंपनी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स होप ब्राइटकॉम ग्रुप में जो ये तेज़ी चल रही है ये लगातार चलती रहे और शेयर
फिर से अपने पुराने टॉप लेवल पर पहुंचे, जिसके लिए सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।